अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राज, तुम श्रुति की बातों का बुरा मत मानो। उसने सोशल मीडिया से फोटो डिलीट कर दी है और तुम्हें बाहर भी इसलिए ले जाना चाहती थी कि तुम बेहतर महसूस करो। और श्रुति तुमसे कितना प्यार करती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना परेशान रहती है तुम्हें इस हाल में देखकर। अब सॉरी क्या अगली साल बोलोगी? बोलो। राज, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं श्रुति, बस बाहर जाने का मन नहीं था इसलिए मना कर रहा था। सॉरी राज, मैं पक्का अगली बार जबरदस्ती नहीं करूंगी और तुम्हारी हर बात भी मानूंगी, पक्का प्रॉमिस। सुनिए, सबको अभी इस कमरे से बाहर निकलना होगा। ये क्या बदतमीजी है? इसे बदतमीजी नहीं, तमीज से बात करना कहते हैं कश्मीरा दीदी। बदतमीजी तो तब होगी अगर किसी ने भी इस कमरे से बाहर जाने से मना कर दिया। रीवा, ये क्या तरीका है दीमा से और घर वालों से बात करने का? देखिए, हम आपके घर वालों की बहुत इज्जत करते हैं, मगर हमें माफ कर दीजिएगा, अभी इन सबका यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। रीवा सही कह रही है, राज की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सब लोग बाहर चलिए। सही है, अब बस यही देखना बाकी रह गया था, अपने ही घर में दूसरों के ऑर्डर सुनने पड़ेंगे। आज कमरे से बाहर निकाला जा रहा है, कल घर से बाहर निकाला जाएगा। रीवा, तुम ये सही नहीं कर रही हो। अभी के अभी सबको बुलाओ और उनसे माफी मांगो। काश आपको सब समझा पाते, हमें माफ कर दीजिए। इनकी जान को खतरा है, इसलिए हमारी इजाजत के बिना
इनके कमरे में कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। कुछ चाहिए आपको? हाँ, माफी चाहिए तुम्हारी। जितनी बदतमीजी के साथ तुमने सबको कमरे से बाहर किया, उतनी ही इज्जत से सबको लेकर आओ और सबसे माफी मांगो, अभी के अभी। देखिए, ये तो अभी नहीं हो सकता, पर आपके ठीक होने के बाद हम सबसे जाकर माफी मांग लेंगे। लेकिन अभी हमने कुछ गलत नहीं किया। रेवा, देखो, मैं समझता हूं कि तुम मुझे ठीक करना चाहती हो, लेकिन इस तरह सबको कमरे से बाहर निकालने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि इससे मेरी तबीयत पर उल्टा असर होगा? हमने जो भी फैसला लिया है बहुत ही सोच समझ कर लिया है, और हमें अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमरी किस चीज का आप पर क्या असर होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम समझती हो। अगर समझती होती तो ये सोचती कि इस तरह मुझे कमरे में बंद करने से मैं जल्दी ठीक नहीं हो जाऊंगा। हमें अच्छे से पता है कि इस तरह बंद कमरे में आप जल्दी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारे मन को तो ये तसल्ली रहेगी कि आपकी हालत इससे भी खराब नहीं होगी। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें पता है कि आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती, इसलिए अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है। कल रात फिर से आपको किसी ने मारने की कोशिश की थी जब आप सो रहे थे। अगर ये सच है तो पता चला कौन था वो। अगर अभी आपको बताया तो आपको यकीन नहीं होगा, उल्टा सारा इल्जाम हम पर ही आ जाएगा। उस नकाबपोश को तो हम रंगे हाथों पकड़कर ही दिखाएंगे आपको। बताओ मुझे, कुछ पता चला? कोई सबूत मिला? हम वक्त आने पर वो भी पता लगा लेंगे, लेकिन अभी आप ज्यादा मत सोचिए, बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। अच्छा चलिए, ये सब बातें छोड़िए, देखिए हमने आपके पसंद का खाना बनाया, आपके पसंद की सब्जी बनाई है हमने।
जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू ना हो के भी है गिले। रेवा क्या समझ रही है खुद को? ये राज को कैसे कमरे में बंद कर सकती है? इसे क्या लगता है कि ऐसा करने से ये मेरे राज को मुझसे छीन लेगी? तो नहीं, मैं सब कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। श्रुति रुक जा, रुक जा, मेरी बात सुन, गुस्से में कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना। मम्मा भाई श्रुति सुन, सुन, गुस्से में ये लड़की रेवा की जगह खुद का नुकसान कर लेगी, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ मुझे ही सोचना होगा। होती कौन है ये रेवा मुझे रोकने वाली? आज मैं अपने कमरे में जाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे रेवा से लड़कर ताला ही क्यों ना तोड़ना पड़े। हटो तुम यहाँ, आज मैं भी देखती हूँ तुम मुझे। श्रुति दीदी आप क्या कर रही हैं? छोड़िए हाथ, थोड़ा आपको चोट लग जाएगी। मेरा हाथ छोड़ो। दीदी हम आपको नहीं दे सकते, आपको चोट लग जाएगी। हम आपको बिल्कुल अंदर जाने देते श्रुति दीदी, लेकिन लेकिन आप अपनी हालत तो देखिए, आपके सर पर भूत सवार है। ऐसे में गलती से भी आपने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा? मैं कुछ भी गलत क्यों करूंगी रेवा, वो मेरा पति है। मैं पता है वो आपके पति है और आप कुछ भी उनके साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन आप एक बार हमारी बात तो सुनिए, अभी वो सोए हुए हैं, आप उनसे कल सुबह आके मिल लीजिएगा। गेस्ट रूम में रहो तुम, समझी? मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे अंदर नहीं जाने देती हो। दो तो यहां से राज। श्रुति दीदी को समझ में नहीं आ रहा हम आपसे क्या कह रहे हैं? जब हमने आपको कह दिया कि आप अंदर नहीं जा सकती तो मतलब नहीं जा सकती, और उनके लिए ना, उनके लिए तो हम मौत से भी लड़ने को तैयार हो जाएं, आप तो फिर भी इंसान हैं। अब जाइए यहां से। मुझे रात से मिलना है। एकदम शांत हो जाओ, रोने से ना काम नहीं चलेगा, और शांत दिमाग से ना सोचना शुरू कर। राज को रेवा के चुंगल से निकालने के लिए ना कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि जब तक रेवा राज की सेवा में अंदर रहेगी ना, तो उनके करीब होने के चांसेस ज्यादा आ सकते हैं। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ मम्मा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देख, एक तरीका है राज को ना जल्द से जल्द ठीक करना, क्योंकि एक बार राज ठीक हो गया ना, तो फिर रेवा के पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं बचेगा। वो हम कैसे करेंगे? एक तरीका है, मैं ना एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, वो ना ऐसे बीमार को छूकर ठीक कर देते हैं। एक बार अगर हम उन्हें घर में ले आए ना, तो राज को छूकर पूजा कर देंगे और फिर राज एकदम ठीक हो जाएगा। क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ ठीक है, तो आप उन्हें बुला लीजिए कल। कल क्यों, अभी बुला लेते हैं ना। अभी? इतनी रात को?
तू रेवा को और झेल सकती है, मैं उसे और एक पल नहीं झेल सकती। बाबा का छुआ हुआ एक पल में ठीक होता है बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे पति को ठीक होने से अब कोई नहीं रोक सकता। हेलो श्रुति, मैंने ना रेवा को बेहोश कर दिया है और घर के बाकी लोग भी अभी सो रहे हैं, तू जल्दी से तांत्रिक बाबा को लेकर राज के कमरे के बाहर आ जा। ठीक है मम्मा, मैं अभी आ रही हूँ। चलिए बाबा। आंटी ने इस तांत्रिक को बुलाया था, पर अब इसके बदले मेरा आदमी जाएगा राज के रूम में और उसका काम तमाम करेगा, और जब सुबह लोग उठेंगे तब इल्जाम जाएगा श्रुति और उसकी भोली मां पर। मानना पड़ेगा कश्मीरा, कमाल का प्लान है तुम्हारा। इंसान की बेस में तुम भी किसी लोमड़ी से कम नहीं हो। वैसे वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि अनुपमा आंटी ने किसी तांत्रिक को बुलाया? श्रुति, वो श्रुति को मैंने गुस्से में अनु आंटी के रूम के गेट को नॉक करते हुए देखा, तभी मुझे उसे देखकर लगा कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आई है और उसका सोल्यूशन उसकी माँ देने वाली है उसे। बस वही सोल्यूशन सुनने के लिए मैं वहां पे रुक गई और मैंने सब कुछ सुन दिया। एक तरीका है, मैं ना एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, वो ना ऐसे बीमार को छू कर ठीक कर देते। अभी तांत्रिक बाबा को फोन करती हूँ। हेलो, नमस्ते बाबा जी, मैं अनुपमा बोल रही हूँ, आपसे एक मदद चाहिए थी, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? जी मैं अभी आपको एड्रेस भेजती हूँ। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी आ जाएंगे, मैंने उन्हें एड्रेस भेज दिया। मम्मा, वो आ तो जाएंगे पर हम उन्हें राज के रूम में कैसे लेके जाएंगे? उसके रूम में जाने के लिए तो रेवा की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। वैसे एक बात बताओ प्रमोद, राज को मौत के घाट उतारने का ना इतनी जल्दी प्लान नहीं था मेरा, लेकिन ये रेवा मेरे गले की हड्डी बन गई है, नॉक में ना दम कर दिया सड़की ने मेरी, बस इसीलिए प्लान भी चेंज कर दिया मैंने। अब राज के मरने के बाद श्रुति और उसकी माँ जेल जाएंगे, मेरे गले की हड्डी रेवा करेक्ट वो जाएगी घर से बाहर, और उस दिग्विजय के हाथ पैर तो ऐसे ही कट जाएंगे और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। आइए। पापा जी, आपको ना अंदर जाकर राज की पूजा करनी है, आपको अकेले ही जाना होगा। हम सब अंदर जाएंगे ना तो कहीं राज की नींद ना खुल जाए। आइए।
आज तेरा अंत निश्चित है।